आज पूरे दिन वीडियो नहीं बनाई थी मैंने, सोचा था शायद बनाने के लिए भी नहीं मिलेगा। नहीं नहीं बैठिए, ये माजे तक के बाद मेरे आप ये के देखता हूं ना मैं फिर। तो एक अलग सी चीज दिख गई। क्या नाम है इसका? ढेकुन। मराठी में ढेकुन बोलते हैं। ढेकुन है और इसकी वजह से वीडियो बनानी पड़ रही है। मैं दिखाता हूँ, ये है ढेकुन यहाँ पे, और ये क्या करता है, काटता है ना खून चूसता है। इसको काटा है, इसकी तरफ दिखाओ। भैया को काटा, भैया को काटा, आधा किलो और क्या बोलते हैं खून चूसा है उसने। भैया जी आ गए, ये स्प्रे मारेंगे, स्प्रे मारेंगे और ये क्या होगा उसका रिएक्शन देखते हैं। मर जाएगा, मर गया, मरता है। ऊपर भी था क्या? नहीं ऊपर भी था, ये देखो मर गए, छोड़ दी जान उसने। हाँ काम खला साव बुट्टी में, ये बहुत बुरी चीज होती है। ये बड़ा खतरनाक सा जो है, इसका एक डंक लगता है और भैया लोग इसकी सफाई कर रहे हैं। तो अभी आपने देखा वो कुछ तो था, खटमल जैसा ही होता है लेकिन बड़ा खतरनाक डंक मारता है, और एक बार उसने काट लिया तो पूरी रात की नींद गायब हो जाती है, बहुत दर्द होता है, आग जैसी लग जाती है, ऐसा भैया लोगों ने बताया मुझे। मुझे तो नहीं काटा कहीं पे, बच गया हूँ। और वैसे मैंने कल बताया था आप लोगों को कि मैं मिलाऊंगा भैया जी लोगों से जहाँ पर मैं रुका हुआ हूँ। पूरे दिन बस लेटा रहा, सोता रहा, कहीं घूमने गया नहीं, वीडियोज़ वगैरह बनाई नहीं मैंने, बट मैं फिलहाल मिलाता हूँ भैया लोगों से आपको। सबसे पहले तो भैया हैं विवेक भाई। एक्चुअली बहुत अच्छा लगा, भैया ने ही जो है होस्ट किया हमें, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। फिर प्रमोद भैया नमस्कार। ये हमारे प्यारे विवेक भैया, इनको देखो जरा। और भैया जी आप, आपका नाम? प्रसाद। प्रशांत भैया प्रसाद सावंत, पंडरपुर। पंडरपुर पंडरपुर मालूम है आपको? नहीं पंडरपुर क्या हम जाने वाले हैं? पंडरपुर जाने वाले हैं क्या हम? अरे नहीं इनका गांव है पंडरपुर। ओके आपको कुछ जानते हैं? विठोबा मालूम है क्या? हां विठोबा, विठल मालूम है क्या? विठल नहीं, वो बहुत बड़े भगवान है यहाँ पे। संत देव, ओके, जिन्होंने वो लिखा है बहुत सारे ट्रांसलेशन के बुक्स के। नहीं नहीं उनके जो भक्त है ना उन्होंने ट्रांसलेशन किया। वारी मालूम है? वारी 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 मालूम है क्या? आपको बताया ना जे जे रामकृष्ण, आपने बताया ना वो विठल देव, मुझे मैं समझ गया वो। आपने वो बताया था ना वो टोपी लेके जाते है पांडव। हाँ हाँ वो यात्रा होती है ना, वो विठल की होती है। ओके अच्छा, वो जो पंडरपुर है ना उस गाँव के है, पंडरपुर जहाँ लोग जाते हैं। हाँ, समझ गया मैं। ये है। हाँ वैसे अभी पंडरपुर में भी वो शायद डेवलपमेंट का कोई काम होने वाला है। पंडरपुर कॉरिडोर नाम का एक ये चल रहा है, जैसे कि काशी के धरती पे वो कर रहे हैं। अच्छा लगा मिलके भैया जी आप लोगों से। और वो सोलापुर साइड के है ना? नहीं सातारा साइड के, जिनके यहाँ बारिश नहीं होती। आप और भैया जी लोग यहाँ पे जो है पढ़ाई करते हैं, तो ये सारी बुक्स फैली हुई है अपना, मस्त यहाँ पे ही सोते हैं, इधर ही पढ़ते हैं। अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने होस्ट किया उसके लिए। अरे भाई कुछ बड़े भाई हमें बहुत 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 धन्यवाद, धन्यवाद आपको भी। और भैया जी ने ले जाके शाम को जो है डिनर कराया हमको, उसके लिए स्पेशल थैंक यू। आप जा रहे हो सतारा के साइड? हाँ जाऊँगा मैं, सतारा जाऊँगा, अच्छा है, बढ़िया जगह है। अच्छा लगा मिलके आपसे भी भैया। तो मैंने मिला दिया भैया लोगों से आप लोगों को, और वीडियो बस ऐसे ही छोटी सी बनाई मैंने, बस ऐसे ही कि मिलवाना था। और वो कुछ एक छोटा सा वो निकला था, उसका नाम क्या था? डेगुन दिखाना था आपको, देना है क्या पार्सल? ना 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 वो यही रहे तो बेहतर है, हमें नहीं ले जाना, क्योंकि ऐसा पता चला कि अगर वो बिस्तर में घुस जाता है तो वो बिस्तर फिर फेंक ही दिया जाता है दोबारा, और वो प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा कर देता है। एक दिन उसके अंडे निकल जाते हैं तो वो बहुत जल्दी जल्दी फैलते हैं ना, तो और डंक भी बहुत जोर से मारता है, ऐसा पूरी रात नींद नहीं आती, ऐसा होता है। मैं अपने बिस्तर को बचा के रखा है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है भैया, ना आए तो बेहतर है। मैं डर गया, मैंने कहा रात में लग रहा है मुझे भी कुछ किसी चीज ने काट लिया, बट ऐसा कुछ नहीं था, वो छोटा सा है, वो इतना नहीं काट सकता।
तो फिलहाल बस यही है, आज की वीडियो यहाँ ख़त्म ही कर देते। मस्ती हुई पूरे दिन, बढ़िया, अपना पूरा दिन अच्छा रहा, और मिलते हैं कल एक नई जर्नी पे। कल हम निकल रहे हैं वैसे यहाँ से सतारा की तरफ, तो पहुँच पाएंगे कि नहीं सतारा वो देखेंगे। यहाँ से वैसे सतारा प्लेन एरिया है ना, पहाड़ी है क्या बीच में? प्लेन है, एक पहाड़ी है, कुछ एक पहाड़ी है, तो ज़्यादा पहाड़ी है नहीं, तो कोशिश रहेगी कि पहुँच जाए। तो फिलहाल के लिए बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, मिलते हैं फिर कल।